नई मुंबई के तड़ौली गांव में राम मंदिर निधि संकलन कार्यक्रम एडवोकेट चेतन पाटिल ने किया 1,11,000 रुपए का दान। नई मुंबई के तड़ौली गांव में मंगलवार शाम राम मंदिर निधि संकलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य रमेश पाटिल ने की। बता दें कि इस समय पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन कार्य चल रहा है। इसी के तहत कल नई मुंबई के तड़ौली गांव में निधि संकलन का कार्य किया गया, जहां चेतन पाटिल ने 1,11,000 रुपए का दान किया। इसी के साथ तड़ौली गांव में रहने वाले सर्व समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर निधि संकलन कार्य में हिस्सा लिया और लाखों रुपए का दान किया। कार्यक्रम की शुरुआत गाँव के राम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस के कोंकण प्रांत कार्यवाहक विट्ठल कामले ने कहा कि यह केवल राम मंदिर निर्माण नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है। भारत की जो संस्कृति खो चुकी है उसे फिर से स्थापित करना है। वहीं विधायक रमेश पाटिल ने कहा कि भगवान राम को गंगा पार कोड़ी समाज के निषाद राज ने किया था, इसलिए मंदिर निर्माण में हमारे समाज का योगदान हो इसके लिए हमें काम करना होगा। रमेश पाटिल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसे आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम लोग ने अपील किया, यहाँ जितने हमारे सराउंडिंग जो समाज रहते हैं, सर्वधर्म के लोग रहते हैं, कि जो राम मंदिर है खाली हिंदू का नहीं है, तो सबका अपना सर्वधर्म समभाव है। अपनी जो लोकशाही है वो लोकशाही में अपन सर्व लोग इधर रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सब लोग अपन इधर रहते हैं, तो सब ने थोड़ा थोड़ा अपन हाथ बार लगाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मदद करनी चाहिए। वो हिसाब से आज सब लोग यहाँ आए और अपने अपने हिसाब से उन लोग ने मदद किया। राम मंदिर सारे समाज का है, सारा समाज यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और सौराष्ट्र से लेकर पूर्वांचल तक सारा मिलकर एक राष्ट्र है, सभी के मन में राम है। तो राम केवल एक मंदिर नहीं है, एक मूर्ति नहीं है, कर्मकांड नहीं है, सब व्यक्तियों से मिलकर बना हुए राम है और इसीलिए ये राष्ट्र मंदिर है। तो केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, ये सभी समाज और राष्ट्र मिलकर हो रहा है, इसलिए राष्ट्र मंदिर है। ये राष्ट्रीय संस्कृति तो हर एक मन में है, इसीलिए राम है ना, सभी में राम, इसलिए संस्कृति और राम एक ही है, अलग नहीं है। तो ये संस्कृति के कारण राम जुड़ा है और राम के कारण संस्कृति जुड़ी है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए राष्ट्र मंदिर है। शेवटी आम्ही आज भाग्यवान आहोत की जे आमच्या वाड वडिलांनी, जे आमच्या आजोबांनी आज तळवली गावामध्ये जे आमच्या सर्वांच्या श्रमदानांनी हे राम मंदिर उभारलं आहे, त्याचंच एक फूल न फुलाची पाकळी म्हणून जे अयोध्येमध्ये प्रभू श्री रामाचं मंदिर ज्याची उभारणी सुरू आहे, त्याच्यात खारीचा काय वाटा होईना, एक वीट काय होईना, आज आमच्या गावातले सर्व माझ्या ग्रामस्थांना, माझ्या भावा बहिणींना, माझ्या काका चुलत्यांना आज आम्हाला सौभाग्य भेटलं की आज या पिढीला तिथं योगदान द्यायची एक संधी भेटली। त्यानिमित्ताने आज आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कोकण प्रांताचे कार्यवाहक आमचे विठ्ठल कांबळेजी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि समस्त माझे गावातले बांधवांच्या आणि भावांच्या मदतीने आज आम्ही आज छोटासा कार्यक्रम तळोली गावामध्ये हा संपन्न केला आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही आज अयोध्येमध्ये जे प्रभू श्रीरामाचं भव्य मंदिर असं उभारलं जाणार आहे त्यामध्ये छोटंसं आम्ही योगदान दिलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।